हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हो आप? तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही मज़ेदार और धमाके वाला होने वाला है, क्योंकि आज इस ब्लॉग में आप लोगों को एक न्यू चीज़ देखने को मिलेगी। तो आप सभी को पता है कि आजकल बरसात का मौसम चला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये जो एरिया है धर्मपुर के पास है, तो पतिदेव की स्कूटी में थोड़ी सी खराबी हो गई थी, तो पतिदेव अपनी स्कूटी बनवाने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। तो घर की कुछ ही दूरी पर ये जो जगह है, तो यहाँ को शिवद्वाला भी बोलते हैं। और जब भी आप धर्मपुर साइड जाओगे तो ये जगह आपको बीच रास्ते में देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद पतिदेव, मम्मी जी और अंजना दीदी चले गए थे शॉपिंग करने, क्योंकि शानू का है आज बर्थडे, तो इसके लिए शॉपिंग करना तो बनती ही है। तो यहाँ पे एक जरूरी काम और भी था, क्योंकि मम्मी जी और दीदी को वैक्सीन लगानी थी, तो ये काम भी वहीं पे हो गया धर्मपुर में ही। तो लगे लगे हाथ दोनों काम हो गए। और शानू के लिए बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट भी इन लोगों ने लिया है, तो वो वाला गिफ्ट क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो दुकानदार हैं ये भी हमारे रिलेटिव ही हैं, यानी मेरे ये जीजू लगते हैं। और इस तरह का सूट शानवी के लिए लिया हुआ है दीदी ने, बहुत ही प्यारा है। तो इस तरह का है हमारा ये छोटा सा बाज़ार, और यहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधाएं भी है, हॉस्पिटल्स, स्कूल, सभी चीज़ें हैं। तो धर्मपुर के जो जो भी हमारे यदि सब्सक्राइबर हैं, तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर यहाँ से हैं, और पता भी लग जाता है हमें। पतिदेव और दीदी और मम्मी जी जा रहे हैं, तो पतिदेव को वैक्सीन लग गई है और आज बारी है मम्मी जी और दीदी की। तो इन लोगों ने अपना ये काम भी पूरा कर लिया। तो डियर फ्रेंड्स, आज है 13 अगस्त और आज होता है शानवी का बर्थडे। तो एक बार शानू को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो। और मैं चाहती हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो वो हमारी इस प्यारी सी बेटी को ज़रूर आशीर्वाद दें। तो ये देखिए, हम सभी लोग जा रहे हैं अब वंदना दीदी के घर, और बहुत जल्दी हम शानू और मृदुल से भी मिलेंगे, और आपको भी वो दोनों बच्चे दिखाएंगे कि वो क्या मटर गश्ती कर रहे हैं अपने अपने घर पे, और शानू के जन्मदिन पे कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। तो लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं वंदना दीदी दीदी के घर। और ये रहा वंदना दीदी का घर, और आइए 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 आइए।
ये त्रिशा जी हैं, आप तो शायद नहीं पहचानते होंगे। शानू नमस्ते दी, नमस्ते शानू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसे हो? ठीक। किसका हैप्पी बर्थडे आज? मेरा। चची जल्दी आओ, बस तीन आउट लेन दे, वो फिर चल जाना। जैसे ही हम लोग वंदना दीदी के घर पहुंचे तो वहां पे पूजा पाठ वगैरह का काम चला हुआ है, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी भी होती हैं। आप सभी को पता है कि हमारे घर में चाहे फंक्शन छोटा हो या बड़ा, पूजा तो होती ही है, भगवान का नाम तो लिया ही जाता है। तो आप सभी को पता है कि शानवी और मृदुल की दीदी के साथ बहुत ज़्यादा बनती है, और जैसे ही बेबी इनके पास पहुंची तो मानो इन्हें तो जन्नत ही मिल गई। तो आज किसका बर्थडे है? शानवी का। और ये चाची, तू सारा काम कर लिया है, खाना बना दिया है? तैयारियां करनी है, बस खाना बना दिया, चौमिन भी बनाई है। चौमिन भी बनाई है? जा बर्गर। चाची यार मुझे तो खाना, मुझे तो बहुत मन है। बल्ले भी अभी तो बहुत कुछ बना है ना। अभी नहीं देंगे किसी को भी, भोग चढ़ाना है, भोग चढ़ाना है पहले। भोग चढ़ाना है पहले? भोग चढ़ा दीदी है कब का? चाची तो तुम मीठू बोल दे आज दीदी को हैप्पी बर्थडे। ये तो सुबह उठ जाता है 5 बजे। तो डियर फ्रेंड्स, बाकी के क्लिप्स मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाती हूँ, तो आप लोग यूं ही हमारे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट वाला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, और हमें यूं ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा।